स्वागत है आपका एक बार फिर माय फिटनेस जर्नी में। आज है डे 9 ऑफ माय फिटनेस जर्नी। तो बिना वक्त गवाए मैं करने जा रहा हूं अपनी पहली एक्सरसाइज, जिसका नाम है डंबल बेंच प्रेस। बट उससे पहले मैं करूंगा चेस्ट का वार्म अप, तो चलिए वार्म अप शुरू करते हैं। चेस्ट का वार्म अप खत्म करने के बाद अब मैं करने जा रहा हूं अपनी पहली एक्सरसाइज, जो कि है डंबल बेंच प्रेस। तो चलिए डंबल बेंच प्रेस शुरू करते हैं। Oh, fuck it, just play the tune. पहली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, अब मैं करने जा रहा हूं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, जिसका नाम है बेंट टावर रो। बट उससे पहले मैं बैक का वार्म अप करूंगा, तो चलिए बैक का वार्म अप शुरू करते हैं। सो बैक मसल का वार्म अप कंप्लीट हो चुका है, अब मैं करने जा रहा हूं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, जिसका नाम है बेंट ओवर रो, जो कि मेरे बैक मसल को टारगेट करेगा। तो चलिए बेंट ओवर रो शुरू करते हैं। पहली दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं करने जा रहा हूं अपनी तीसरी एक्सरसाइज, जिसका नाम है ओवर हेड प्रेस, जो कि मेरे शोल्डर मसल को टारगेट करेगा। तो इस एक्सरसाइज से पहले कोई वार्म अप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने चेस्ट और बैक के एक्सरसाइज में मेरा शोल्डर भी वार्म अप हो चुका है। तो अब मैं करने जा रहा हूं अपनी थर्ड एक्सरसाइज, तो चलिए ओवर हेड प्रेस शुरू करते हैं। पहली तीन एक्सरसाइजेस खत्म हो चुकी है, अब मैं करने जा रहा हूं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज, जिसका नाम है गॉबलेट बेंच स्क्वाट्स। तो चलिए गॉबलेट बेंच स्क्वाट्स शुरू करते हैं। नाइन्थ डे की पहली चार एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं करने जा रहा हूं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज, जिसका नाम है सुमो डेडलिफ्ट। तो चलिए सुमो डेडलिफ्ट शुरू करते हैं। Oh, fuck it, just play the tune. ये थी मेरी नाइन्थ डे की पांच कंपाउंड एक्सरसाइजेस। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।